हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैसे तो वेजिटेबल्स ग्रो करने का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस या बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लास्ट ईयर से मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे सक्सेसफुल होती गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और शुरुआत से ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ और जो मेरे जैसे अनाड़ी थे उन लोगों के साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से हम अपने घर में थोड़ा थोड़ा अपना फूड ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो। तो देखिए, मैंने लास्ट ईयर हल्दी ग्रो किया था और हल्दी का मेरा जो सक्सेस रेट था वो अकॉर्डिंग टू पॉट बहुत अच्छा रहा था। तो अभी मेरा जो हल्दी मैंने एक सब्जी के कैरेट में ग्रो किया था, उसकी लीव्स एकदम ड्राई हो गई हैं, तो अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि इस बार मेरा हल्दी का हार्वेस्ट कैसा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है और मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके अंदर इसके हल्दी के जो हैं राइजोम्स बन गए हैं नीचे, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हल्दी निकली है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगाए थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा कंटेनर बढ़ा लिया। तो देखिए, हल्दी निकल रही है और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट मुझे मिल रहा है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं आपको पता नहीं होता, क्योंकि देखिए मैं भी कोई खेती तो करती नहीं हूँ, घर में ही गार्डनिंग कर रही हूँ, छोटे छोटे पॉट्स में लगा रही हूँ। और कंपोस्टिंग का तो आपको पता ही है कि जो भी मेरे घर से वेस्ट निकलता है किचन का, सब्जियों का और कुछ फ्रूट्स का, उन्हीं का मैं लीव्स में मिला के कंपोस्ट कर बनाती हूँ और उसी में ये सारी चीज़ें मैं ग्रो कर रही हूँ। वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि हम बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बट थोड़ा सा ध्यान देकर हम इन चीज़ों को अपने घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। कि देखिए, हल्दी का तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी घर में ग्रो कर पाऊँगी, लेकिन लास्ट ईयर करने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और इस बार मैंने हल्दी ग्रो की है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी मैं सारा निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं शेयर करती हूँ कि कितनी हल्दी एक कंटेनर से मुझे हार्वेस्ट हुई है। तो देखिए, ये एक छोटी सी बास्केट है मेरी जो पूरी भर के हल्दी का हार्वेस्ट हुआ है। ये मेरा एक कंटेनर से निकला है, अभी एक कंटेनर और बाकी है। तो अभी एक्सपीरियंस हो गया है कि हम अगर इसी तरीके के दो या तीन पॉट्स अगर अपने लिए लगा लेते हैं तो एक पूरे साल के लिए जो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हल्दी मुझे हार्वेस्ट हो सकती है। तो अगले साल जब लगाऊंगी तो मैं इस तरीके के तीन कंटेनर में ओनली हल्दी लगाऊंगी, जिससे कि मुझे मार्केट से हल्दी ना खरीदनी पड़े। प्रोसेसिंग इसका मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी एक्सपर्ट से पूछ के इसका प्रोसेसिंग देखूंगी कि इसको किस तरीके से हम ड्राई हल्दी के फॉर्म में बना सकते हैं। बट अभी तो इसका थोड़ा सा ये है, कच्ची हल्दी भी बहुत फ़ायदा करती है सर्दियों में, अगर इसकी सब्जी बना के खाई जाए, अचार बना के खाया जाए, या बहुत सारी डिशेस बनती हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ क्योंकि घर में और कोई नहीं खाता, थोड़ी सी इसका टेस्ट अजीब सा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो बस यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, कि थोड़ा थोड़ा ही सही अपना फूड ग्रो करना स्टार्ट करिए। एंड ये आपको दिखाना ज़रूरी था कि मैं सिर्फ दिखाने बोलने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो चीज़ होती है वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा हार्वेस्ट आज कंप्लीट हुआ, एक छोटे छोटे पॉट का मैं कर चुकी हूँ, एक पॉट और बाकी है, उसका जब करूँगी देन उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि उसमें से कितना हल्दी हार्वेस्ट हुआ। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।